नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोर्स। ये क्लास एट का टॉपिक है और साइंस का है, जैसा कि आप सबको पता ही है। बच्चों, हम एनसीईआरटी की बुक से पढ़ रहे हैं और अगर आपको कुछ डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मतलब कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं फोर्स। बच्चों बताइए, आपको फोर्स के बारे में कुछ पता है? क्या होता है फोर्स? फोर्स होता है पुश और पुल। पुश क्या होता है? धक्का देना। पुल होता है खींचना। अगर आपने देखा हो कि जब हम खेलते हैं, जैसे ये बॉल है हमारे पास और यहाँ एक हॉकी की स्टिक है, इस हॉकी की स्टिक से हम बॉल को पुश करते हैं या स्ट्राइक करते हैं, तो बॉल ऐसे से जाती है, तो हम कहते हैं कि हमने फोर्स अप्लाई किया, यही है फोर्स। ठीक है, फोर्स से क्या होता है बच्चों? फोर्स से हम किसी भी चीज़ को की स्पीड चेंज कर देते हैं। ठीक है, स्पीड चेंज करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर देते हैं उसकी। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? और शेप चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले हम जरा फोर्स को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक मिनट। हम ऐसी एक्शंस, जैसे हम बोलेंगे कुछ एक्शंस, जैसे हम बोलेंगे पिकिंग, उठाना, हम कोई चीज़ उठा रहे हैं। ठीक है, बाल्टी उठा रहे हैं, तो ये भी एक फोर्स है। ओपनिंग, कोई चीज़ खोल रहे हैं, राउंड राउंड राउंड, ठीक है, ढक्कन खोल रहे हैं बोतल का, घुमा रहे हैं उसको। ठीक है, तो शटिंग, बंद कर रहे हैं कुछ, ठीक है, नीचे ला रहे हैं कुछ, बंद कर रहे हैं कुछ। ठीक है, किकिंग, लात मार रहे हैं किसी, जैसे फुटबॉल को हम लात मारते हैं, हिट करते हैं किसी को। हिटिंग, लिफ्टिंग, उठाना, जैसे बाल्टी को उठाते हैं, जैसे मैंने बोला। फ्लिकरिंग, फ्लिकिंग मतलब उछाल देना किसी चीज को। और पुशिंग एंड पुलिंग, तो इन सब एक्शंस को हम एसोसिएट कर सकते हैं फोर्स के साथ। फोर्स लगता है इन सब एक्शंस को करने के लिए। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक फुटबॉल है, इसकी स्टेट क्या है? अभी हम बोलते हैं स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब होता है कि ये मूव कर रही है या नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये अभी रेस्ट पे है। रेस्ट का मतलब है कि स्टेट ऑफ मोशन क्या होना चाहिए? अगर ये रेस्ट पे है तो स्टेट ऑफ मोशन, मोशन की स्टेट क्या है? जीरो है, क्योंकि ये तो चल ही नहीं रहा है। ठीक है ना, मोशन की स्टेट हम तब बोल सकते हैं कि जब ये फास्ट चल रहा है या स्लो चल रहा है, बट ये चल ही नहीं रहा, तो हम उसको बोलते हैं ये, इसकी स्टेट ऑफ मोशन क्या है? जीरो है, ये रेस्ट पे है। अब हम इसको अगर इस पर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया कुछ, तो ये क्या होगा? मूव करना शुरू कर देगा। अब ये अगर मूव कर रहा है, मान लो आपने इसके किसी और खिलाड़ी ने अपना पैर लिया है यहाँ पे इसको रोकने के लिए, तो क्या होगा? अगर ये स्ट्रेट उनके पैर को लगती है तो ये वापस मुड़ जाएगी। ठीक है, और कुछ देर जाके रुक जाएगी। अच्छा, मजे की बात है बच्चों, जितनी भी हमने एक्शंस अभी बोली हैं, इनको हम सिर्फ दो ही कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पुश और पुल। जैसे हम लिफ्ट कर रहे हैं, उठा रहे हैं, तो उसको हम क्या कर बोल सकते हैं? ये पुल ही है किस्म का, पर ऊपर की डायरेक्शन में। मान लो हमने एक बाल्टी उठाई है, ठीक है, ऊपर की डायरेक्शन में उठा रहे हैं, तो उसको भी हम पुल बोल सकते हैं, ये ऊपर की डायरेक्शन में पुल है। तो लिफ्टिंग को हम
पुल में डाल सकते हैं, ठीक है। पिकिंग, पिक करना, कुछ उठाना, उसको भी हम पुल में डाल सकते हैं। इन सब को हम एक्शन को हम सिर्फ टू कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। पिकिंग, अच्छा लोवरिंग, नीचे रखना, अगर नीचे कुछ रख रहे हैं तो उसको क्या हम इस डायरेक्शन में नीचे रख रहे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं, ये पुश है, ठीक है, नीचे ला रहे हैं हम। सपोज इसी बाल्टी को हम नीचे ला रहे हैं, ठीक है। या किकिंग, किकिंग जब हम लात मारते हैं ये किसी चीज को, सपोज फुटबॉल को लात मारते हैं, तो भी एक किस्म का पुश ही है, इसलिए हम किकिंग को पुश में रख सकते हैं। थ्रोइंग, फेंकना, फेंकना भी हम पुश कर रहे हैं, है ना, पुश कर रहे हैं, ऐसे फेंक रहे हैं कोई चीज़, तो पुश कर रहे हैं। इसी तरह इन सब चीज़ों को हम सिर्फ दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पुश और पुल, ठीक है। अब अगर हम मैग्नेट की बात करें, सपोज हम एक मैग्नेट को लेते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये है मैग्नेट वन या मैग्नेट ए नाम रख लो, और हमारे पास ये मैग्नेट बी। आपने मैग्नेट्स के बारे में मेरे ख्याल से पढ़ा है पिछली बार से, तो आपको ये नॉर्थ पोल्स के साउथ पोल्स को, तो आपको ये पता ही है कि मैग्नेट्स के जो पोल्स होते हैं, दो पोल, एक हम बोलते हैं नॉर्थ पोल, दूसरा साउथ पोल। यहाँ पे भी इसका नॉर्थ पोल ये साइड है, ये साउथ पोल साइड है। तो सपोज नॉर्थ पोल को हम रेड कलर कर दो, नॉर्थ पोल को, तो ये नॉर्थ है और ये नॉर्थ है। अच्छा, अगर दो मैग्नेट्स में क्या होता है कि उनके सिमिलर पोल्स जो है रिपेल करते हैं और अपोजिट पोल्स जो है अट्रैक्ट करते हैं। अब सपोज इन दो मैग्नेट्स को मैं पास लाने की कोशिश करूँ, यहाँ पे साउथ पोल है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, तो ये अपोजिट पोल्स हैं, तो ये अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा। तो मैं अगर इस मैग्नेट को पास लाने की कोशिश करूँगा तो क्या होगा, इधर इसको खींचूंगा तो ये क्या होगा, ये मैग्नेट जो है पास आएगा, तो ये क्या होगा, पुल, ये मैग्नेट इसको पुल करेगा अपनी ओर, है ना। अब मान लो इस मैग्नेट को मैं उलट देता हूँ, ये साउथ पोल यहाँ पे, नॉर्थ पोल यहाँ पे, ठीक है, ये जो रेड कलर वाला है नॉर्थ पोल है, और ये वाला मैग्नेट मेरा वही है, सॉरी मैं कलर वही देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ठीक है, तो यहाँ पे ये नॉर्थ पोल यहाँ पे है, ये साउथ पोल यहाँ पे। अब इसमें भी नॉर्थ है, इसमें भी नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, रिपेल करेंगे, तो उस केस में क्या होगा, ये पुश कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। रिपेल करने मतलब हम इसको पास ला रहे हैं, इसको पास ला रहे हैं, तो ये इसको धक्का देगा और ये इसको धक्का देगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं हम पुल और पुश की। अच्छा, फोर्स जो है ये हमें ध्यान रखना है कि ये इंटरेक्शन से होगा। इंटरेक्शन मतलब इसमें मिनिमम दो चीज़ तो इन्वॉल्व होनी ही होनी चाहिए, तो वरना हम अगर एक ही चीज़ इन्वॉल्व होता है फोर्स का पता नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, ये हमारे पास एक गाड़ी है, ठीक है, ये दरवाजा, तो यहाँ पे ड्राइवर है, अब यहाँ पे हमारा कोई खड़ा है, अगर ये इंसान, ये पर्सन इसको गाड़ी को पुश करे तब ये गाड़ी आगे चलेगी, तो ये क्या हो रहा है, ये अगर फोर्स लगाएं इस पर, है ना, फोर्स लगाएं तब ये गाड़ी चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। हाँ, वैसे इंजन से चल सकती है, इंजन का भी आपको एक पढ़ोगे इंजन का कंसेप्ट कि कैसे इंजन में भी फोर्स डेवलप होता है, वो टायर पे आता है, उन पे टायर मूव करते हैं, मतलब व्हील्स मूव करते हैं, कैसे फोर्स जनरेट होता है। तो फिलहाल के लिए हम समझने के लिए गाड़ी को देखते हैं कि एक पर्सन है यहाँ पे जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है और गाड़ी मूव कर रही है आगे, ठीक है। तो इस केस में कैसा फोर्स है, पुश है, है ना। अब जैसे दो लड़कियाँ हैं जो हाथ पकड़ के वो गोल गोल रिवॉल्व करते हैं, उसको क्या कहेंगे पता नहीं, आपने बहुत सारे फिल्मों में देखा होगा, ये ऐसे
ऐसे रिवॉल्व करते हैं हाथ पकड़ के, तो इसमें क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को पुश कर पुल करते हैं, सॉरी पुल करते हैं, ये अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, ये अपनी तरफ पुल कर रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं जैसे, ठीक है, गोल गोल घूम रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को पुल करते हैं। अब देखिए मजे की बात ये है कि हालांकि ये पुल कर रहे हैं एक दूसरे को पर ये घिरते नहीं हैं, है ना। तो उस केस में क्या होता है, जो एक मिनट हम जरा कलर दूसरा ले लें, जो सपोज ये गर्ल ए है और ये गर्ल बी है, जितना पुल या जितना फोर्स गर्ल ए यूज़ कर रही उतना ही गर्ल बी यूज़ कर रही, इसलिए ये बैलेंस में रहती है। अगर मान लो इनका जो फोर्स है वो ज़्यादा है बी के फोर्स से, तब क्या होगा, ये ज़्यादा है तो ये गिर जाएंगे ऐसे, अगर इनका ज़्यादा है तो ये गिर जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही कभी कभी हम एक बॉक्से को सपोज पुश कर रहे हैं, इसको धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ से भी कोई बंदा उस बक्से को धकेलने की कोशिश कर रहा है, पर ये बक्सा नहीं हिल रहा है, उसका मतलब क्या होगा कि यहाँ का जो पुश है और यहाँ का पुश जो है वो सेम है, ठीक है, वो सेम है, इसलिए हिल नहीं रहा है। अब अगर यहाँ वाला ज़्यादा ताकतवर हो, उसे ज़्यादा ताकत लगा दी, तो ये क्या होगा, ये यहाँ की ओर मूव करेगा, ठीक है। ऐसे ही बच्चों टग ऑफ वॉर अगर आपने देखा होगा तो एक रस्सी होती है, बड़ी सी रस्सी, और यहाँ पे भी लोग होते हैं जो यहाँ की ओर खींच रहे होते हैं, यहाँ पे भी लोग होते हैं, ये लाइन होती है बीच में, यहाँ पे भी लोग होते हैं जो कि यहाँ की अपनी ओर खींचते हैं। बहुत टाइम पे क्या होता है कि ये रस्सी एक ही जगह रहती है, ना तो यहाँ घूमती है या ना यहाँ घूमती है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ का जो फोर्स है और यहाँ का फोर्स, इसको अगर ए टीम माना जाए उसको बी टीम माना जाए, तो फोर्स ए टीम का और फोर्स बी का इक्वल होगा, इसलिए वो हिल नहीं रही है। अगर फोर्स बी में ज़्यादा ताकत लगा दी, मतलब फोर्स बी ज़्यादा हुआ, तो ये यहाँ गिर जाएगा सब, ये लोग यहाँ खींच जाएंगे, और अगर इन्होंने ज़्यादा पुल कर लिया, पुल अब यहाँ पे फोर्स की बात कर रहे हैं, पुल ही कर रहे हैं वो, ठीक है, पुल कर लिया तो ये सब लोग यहाँ आ जाएंगे और यहाँ गिर जाएंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि फोर्स की वजह से क्या होता है, स्पीड स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन। तो अगर कोई स्टेशनरी चीज़ होगी एक जगह पे होगी तो वो मूव करने लगेगी। सपोज हम एक टायर लेते हैं, बचपन में अगर आपने टायर चलाया हो, छोटा मोटा टायर, गाँव में बहुत मैंने खुद टायर चलाया है, छोटे छोटे टायर, हम उसको धक्का देते हैं किसी छड़ी से, तो ये ऐसे मूव करने लगता है, स्टार्ट टाइम में ऐसे ऐसे मूव करता है, तो आपने पहली बार उसको धक्का दिया, पुश किया, तो ये चलने लगा, और फिर यहाँ पे जब ये यहाँ पे ये टायर आया, तो आपने फिर एक उस लकड़ी से इसको पुश किया, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक जो इसकी स्पीड है धीरे धीरे कम होती जाती है, पहले बहुत स्पीड थी यहाँ से यहाँ तक, फिर कम होती गई, और फिर जब आपने यहाँ से फिर से इसको पुश किया इस लकड़ी से, छड़ी से, तो ये इसकी स्पीड फिर से बढ़ गई। तो क्या होता है, जैसे यहाँ जैसे हम फोर्स लगाते जाते हैं, वैसे वैसे स्पीड चेंज होती है ना, स्पीड जो होता है चेंज होता रहता है। तो अगर हम उसको दोबारा पुश नहीं करेंगे स्टिक से, इस छड़ी से, तो क्या होगा, रुक जाएगा। वो कैसे रुकता है, आपको पता है, फ्रिक्शन से रुकता है, फ्रिक्शन भी एक फोर्स है, आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है, अभी भी हम आगे भी पढ़ेंगे इस बारे में, ठीक है, स्पीड चेंज हो जाती है। और अच्छा, अब डायरेक्शन कभी कभी चेंज होती है, सपोज आपने क्रिकेट है, क्रिकेट में बॉल यहाँ आई, यहाँ गिरी और यहाँ गई, बैट्समैन है यहाँ, बैट्समैन ने क्या किया, बॉल को ज़रा सा ऐसे मतलब टच किया, उसको मारा नहीं वापस, ज़्यादा टच किया, तो बॉल स्पीड में आ रही थी, वो क्या हो गई, यहाँ पे चली गई। अगर बैट्समैन ज़्यादा पुश करेगा तो क्या होगा, बॉल सामने भी जाती है छक्का मारने के चक्कर में, तो बॉल यहाँ वापस चली जाती है, अगर वो हिट मारेंगे इससे, तो क्या होता है, फोर्स से डायरेक्शन भी चेंज होती है, जो हमारी डायरेक्शन होती है वो भी चेंज होती है। एक और चीज़, मान लो आपके पास रबर बॉल है, ठीक है, और यहाँ पे एक दीवार, आपने रबर बॉल को ज़ोर से मारा,
और वो यहाँ यहाँ आई तो क्या होगा, इधर उसकी जब वो टकराएगी तो थोड़ी शेप चेंज हो जाएगी टेम्परेली के लिए, वापस वो अपनी, क्योंकि वो इलास्टिसिटी है उसमें, तो वापस अपने शेप में आ जाती है, यहाँ टकरा के थोड़ी चेंज शेप हो जाएगी और वापस यहाँ चली जाएगी। तो क्या होता है, शेप भी फोर्स से चेंज हो जाती है। अब जैसे आटे का गोला ले लो, आटे का गोला जब हम बेलन से फोर्स लगाते हैं उस पर तो क्या होता है, फ्लैट बन जाता है बिल्कुल, वरना एक ऐसे बड़ा सा गोला होता है, फ्लैट चपाती जैसा बन जाता है। ठीक है, तो ये है। अब बच्चों फोर्स भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस सिंपली है, इसमें कॉन्टैक्ट होना चाहिए। जैसे अभी हमने देखा कि उस टायर को हमने छड़ी से मारा तो वो क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, क्योंकि उस टायर को छड़ी से कॉन्टैक्ट हो रहा है। ऐसे कॉन्टैक्ट फोर्सेस में एक फोर्स है मस्कुलर फोर्स। तो जो भी हम काम करते हैं जिसमें मेहनत लगती है हमारी, हम कुछ उठा रहे हैं, गिरा रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, वो कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, क्योंकि हम टच कर रहे हैं उस चीज़ को। जैसे जानवर भी खींच रहा है ब्लॉक कॉर्ड से, बैल गाड़ी ले जा रहा है, तो वो मस्कुलर फोर्स यूज कर रहा है। मस्कुलर फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। ठीक है, आप कुछ उठा रहे हो, पेन बॉल फेंक रहे हो, कुछ कर रहे हो, वो एक कॉन्टैक्ट फोर्स है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है हमारा फ्रिक्शन। एक मस्कुलर फोर्स है और फ्रिक्शन, ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स है फ्रिक्शन। आपको जैसे हमने कहा कि कोई भी चीज़ अगर हम जैसे टायर है उसको हमने एक बार छड़ी से मारा तो वो धीरे धीरे रुक जाएगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन है। ठीक है, फ्रिक्शन से वो रुक जाता है। फ्रिक्शन हम आगे भी पढ़ेंगे मेरे ख्याल से आगे क्लासेस में। अब जैसे गाड़ी है, गाड़ी को हमने ब्रेक मार ली तो धीरे धीरे करके रुक जाती है, या उसका स्पीड कम कर दी तो वो रुक जाएगा, तो ये फ्रिक्शन है। ठीक है, और फ्रिक्शन में भी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा लगता है हमें कि कोई फोर्स उसको अप्लाई नहीं हो रहा है, बट फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई हो रहा था, जो कि जो सरफेस होता है जैसे अर्थ है या रोड ही है, तो उसकी वजह से जो एक अपोजिट फोर्स लगता है उसकी वजह से रुक जाता है। ऐसे ही अब आप बोलोगे कि जैसे हम बॉल ही उछालते हैं हवा में, कोई भी चीज़ हवा में फेंकते हैं, तो हवा में भी उसको फ्रिक्शन का सामना पड़ता है, क्योंकि हवा भी अपोजिट फोर्स अप्लाई कर लेती है, वो फ्रिक्शन का कॉज करती है। तो धीरे धीरे क्या होता है, आपने जो बॉल फेंकी वो तो फास्ट चली गई मगर उसकी धीरे धीरे स्पीड कम हो जाती है, और धीरे धीरे वो फिर नीचे आने लगती है। नीचे कैसे आती है, ग्रेविटी से नीचे आती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। तो नॉन कॉन्टैक्ट, इसमें एक है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स हमने पहले ही देखा, दो मैग्नेट्स खींचते हैं अपने आप को या एक दूसरे को, अगर सेम पोल्स हो तो रिपेल करेंगे, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो तो ये क्या होगा, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे। नॉर्थ साउथ हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इस केस में रिपेलशन होगा, इस केस में अट्रैक्ट होगा। साउथ साउथ में भी क्या होगा, रिपेल ही होगा। ठीक है, यहाँ एक मैग्नेट है हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास कुछ आयरन का है, तो ये क्या होगा, आयरन खींच जाएगा, ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फोर्स है। इसमें कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। ठीक है, मतलब खिंचाव के लिए कांटेक्ट की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ पर हमारे पास तीन चार कीले हैं, एक दो, कीलों को क्या बोलते हैं, नेल्स, नाखून को भी नेल्स बोलते हैं, कीलों को भी नेल्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास दो चार कीले हैं और हमने यहाँ पे एक मैग्नेट लाया। जैसे ही इस मैग्नेट को हम पास लेते गए, ये कीले इसकी ओर आने लगे, तो इसमें हम मैग्नेटिक फोर्स को बोलते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, फोर्स लगा रहे हैं इस पर। ठीक है, नेक्स्ट है इसी में नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर आपने देखा हो, जैसे हम कंघी को अगर हम सर से रब करते हैं, अपने बालों से रब करते हैं, और कुछ पीसेस ऑफ पेपर होते हैं, ये है पीसेस ऑफ पेपर, इनको रखें
और यहाँ पे हमने एक कॉम लिया है, ये है कॉम जिसको हमने रब किसे किया है, अपने हेयर से, रब विद हेयर। तो क्या होगा, ये जो पीसेस ऑफ पेपर इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो उसको अट्रैक्ट करेगा वो। तो हम क्या बोलते हैं, ये कॉम है चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक की चार्ज है ये कॉम, ठीक है। या अगर हम करेंगे एक स्ट्रॉ लेंगे, स्ट्रॉ क्या होता है, छोटी पाइप जिससे हम फ्रूटी पीते हैं, जूस पीते हैं, कुछ पीते हैं, तो यहाँ पे एक स्ट्रॉ हमने सस्पेंड कर दी, सस्पेंड मतलब लटका दी इधर टेबल के पास, और दूसरी स्ट्रॉ को क्या किया हमने, पहले रब किया पीस ऑफ पेपर से, पेपर से हमने रब किया उसको और इसके पास ले गए, तो क्या होगा, ये अट्रैक्ट करने की कोशिश होगी, मतलब खींच लेगा इसको। अब मान लो अगर हमने इस भी स्ट्रॉ को भी रब किया पेपर से और फिर इसको भी रब किया है पेपर से, तो क्या होगा, रिपेल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज बन जाएगा इनमें, तो क्या होगा, क्योंकि सेम चीज़ से रब किया हुआ, तो क्या होगा, रिपेल करेगा, ये दूर दूर भागेगा एक दूसरे से। नेक्स्ट है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज में ही ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आपको आपने पता ही है कि कोई भी चीज़ अगर हम ऊपर से गिरा देंगे तो हमेशा नीचे आएगी, ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है, हवा में नहीं जाती है। जैसे एक पेड़ है हमारे पास, इससे अगर कोई सेब गिरता है तो कहाँ जाता है, नीचे ही जाता है। या माउंटेन्स हैं इनसे वाटरफॉल आता है तो क्या करता है, नीचे जाता है वाटरफॉल, ऊपर नहीं जाता। तो इनको क्या होता है, ये ग्रेविटी की वजह से, अर्थ में क्या एक पुल है, उसको हम ग्रेविटेशनल पुल बोलते हैं या सिंपली ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वजह से ऐसा होता है कि वो नीचे चला आता है, ऊपर नहीं जाता, ठीक है। इनफैक्ट हर चीज़ में बोलते हैं, यूनिवर्स में जो कोई भी चीज़ है उसमें कुछ ना कुछ ये पुल होता ही है ग्रेविटी, तो वो एक दूसरे की को खींचता है अपनी, एक दूसरे को, पर हो सकता है किसी चीज़ में उतना पुल ना हो कि वो हमें विजिबल हो कि ये खींच रहा है किसी चीज़ को। जैसे यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, नेचुरल ऑब्जेक्ट्स है, कुछ पत्थर है, इनमें भी पुल होगा आपस में, बट इतना पुल नहीं है कि एक्चुअली मूव हो सके, बट अर्थ में जो है काफ़ी ज़्यादा है ग्रेविटेशन पुल, ठीक है, उसकी वजह से ये चीज़ें नीचे गिरती हैं। अच्छा बच्चों, जब मैं छोटा था तो मुझे बड़े डाउट्स होते थे कि ये क्या है, इतने सारे कंसेप्ट हैं, इतने सारे चीज़ें बताई हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये किसी ने बनाया है। मुझे जो डाउट्स होते हैं मैं आपको क्लैरिफाई करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो डाउट्स आपको क्लैरिफाई हो जाए, आपको वो डाउट्स ना होते। तो ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें हमने बनाई गई हैं, ये चीज़ें ऑब्जर्व होंगी। अब जैसे बोलेंगे कि मैग्नेट में नॉर्थ और साउथ है, उसमें भी नॉर्थ और साउथ, तो अपोजिट अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट पोल्स और जो सेम पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे, ये ऑब्जर्व हुआ है। बहुत लोगों ने रिसर्च किया है, समझा है कि मैग्नेट बिहेव कैसा करता है। एक कोई चीज़ किसी को मिली तो बोला है इसका नाम मैग्नेट है, उसका नाम मैग्नेट रख दिया, और फिर उसको उसी चीज़ से अट्रैक्ट करने की कोशिश कराई, मिलाने की कोशिश कराई, या फिर देखा ये तो, अरे ये तो आयरन को अट्रैक्ट कर रहा है, सेम स्टील को अट्रैक्ट कर रहा है, तो फिर हमने ये चीज़ें नोट डाउन कर ली। इसीलिए हमने किसी को पता चला, ऑब्जर्व किया है, ये चीज़ें नीचे ही आ रही हैं, ऊपर नहीं जा रही हैं, तो उसने फिर खोजबीन की, छानबीन की, तो पता चला कि ये ग्रेविटेशन पुल होता है, ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप भी ऐसा कर सकते हो, ये रिसर्च आप भी कर सकते हो, बस ऑब्जर्व करो चीज़ों में, नेचुरली जो हो रही है उनको ऑब्जर्व करो, और क्वेश्चन पूछो कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या वैसा क्यों हो रहा है। तो हो सकता है आप भी की भी ऑब्जर्वेशन कहीं ना कहीं साइंटिफिक फैक्ट निकल के आ जाए, कोई इन्वेंशन हो जाए, कोई डिस्कवरी हो जाए, क्योंकि बहुत सालों से अब बेसिक साइंस में कोई ज़्यादा डिस्कवरीज या कोई नई थ्योरी नहीं आ रही, तो सिंपली ऑब्जर्व कीजिए। तो ये जो नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ ये ऑलरेडी आ चुकी है, किसी ने कर ली है और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। तो ऐसी ही बहुत सी चीज़ें हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और समझ सकते हैं उनको। अच्छा दोस्तों, नेक्स्ट सेशन में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि एक कॉमन चैप्टर है फोर्स एंड प्रेशर, पर प्रेशर में अलग से डील करना चाहता हूँ, तो मैं प्रेशर आपको अलग से बताऊँगा इस बारे में। हमारी एक बुक है एवरीबॉडी इज जीनियस, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें हमने बताया कि हम सभी जीनियस हैं। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप भी ऑब्जर्व कर सकते हैं चीज़ें, आप भी निकाल सकते हैं, तो उसमें यही लिखा है हर कोई जीनियस है।
और हर कोई अपने नए विचार, अलग विचार ला सकता है, बट हमें समझ नहीं आता कि हम नए विचार कैसे लाएं, नए आइडियाज़ कैसे जनरेट करें। उस बुक में यही सिखाया है हमने कि आप नए आइडियाज़ कैसे जनरेट कर सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो नए आइडियाज़ के लिए, नई कुछ नई खोजबीन के लिए, नए कुछ समझने के लिए, नए कुछ सीखने के लिए, तो ये बुक ज़रूर पढ़िए हमारी, वेरी बड़ी जीनियस। ये बुक अमेजोन पर अवेलेबल है, जिसमें एक नया कॉन्सेप्ट दिया गया है और आपको, मुझे लगता है आपको ज़रूर पसंद आएगा, और उस पर पढ़ के बहुत सारे आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं, यूनिक आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। तो इस बुक को आप अमेजोन से ले सकते हैं, ई बुक अवेलेबल है, वही प्रिंट अवेलेबल नहीं है, एज ई बुक आ रही है हमारे पास। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट सेशन में हम प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं आपसे धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और हमारी वेबसाइट को विज़िट कीजिए प्लीज़, और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। हमारे फेसबुक पेजेस को भी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए, अपने स्कूल में जितने भी लोग हैं उनको बोलिए, और हमें फॉलो भी कीजिए टाइम रेज पे। हम, ये मिशन है टाइम रेज का कि फ्री एजुकेशन दे, बेसिक एजुकेशन दे, ताकि हर कोई नॉलेज का पावर हाउस बन सके, हर कोई आगे बढ़ सके। क्योंकि हमारे देश में अभी भी बहुत जगह एजुकेशन की कमी है, नॉलेज की कमी है। इवन बड़े अच्छे अच्छे स्कूल्स हैं जहाँ पे पढ़ाया तो जाता है, बट फुर्सत नहीं होती लोगों को अच्छे से समझाने की, और बच्चे को ट्यूशन लगाना पड़ता है, लोगों को ट्यूशन लगाना पड़ता है। तो कोशिश यही है कि हम बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर कर पाएँ, ताकि आप एडवांस खुद ही घर पर कर सको। तो थैंक यू करना चाहता हूँ, थैंक यू वेरी मच।